दिल्ली NCR में बुधवार से बारिश शुरू हो गई है, जो आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। बुधवार को बारिश के साथ साथ ठंडी हवा चलने से कपकपी भी महसूस की गई। बादल और हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आई है। बुधवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम सहित NCR के ज्यादातर इलाकों में अंधेरा छाया रहा, फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 9 जनवरी तक दिल्ली NCR में बारिश होगी। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 10.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है दिल्ली के अंदर। वहीं बात करें नोएडा की, तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, और गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली NCR में आज भी आसमान में बादल के छाए रहने और बारिश की संभावना है। दिल्ली NCR में बारिश के बाद भी प्रदूषण धुलने की जगह और घना हो गया है। सफर के अनुसार दिल्ली का AQI आज बहुत खराब श्रेणी में रहा है और 388 है। वहीं नोएडा में AQI 327 रिकॉर्ड हुआ है, और बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में आज AQI 331 दर्ज किया गया है। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक इस दौरान खराब स्तर में पहुंच गया, शुक्रवार तक इसमें और सुधार होगा। इस दौरान गुणवत्ता सूचकांक औसत स्तर में पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।